अच्छा जहाँ ये बात हो रही है, वहाँ पे देखिए वर्ल्ड कप इज हैपनिंग, आप अपने कैप्टन के बारे में अच्छी बात करें सही है, कोई आप राय रख सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इस वर्ल्ड कप में खासकर कि अहमद शहजाद शायद, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज बात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए. मैंने सुना बहुत ही ब्लंटली उन्होंने कहा कि देखिए जी आप एम एस धोनी नहीं है, तीन से चार टाइटल्स आपने विन नहीं किए हैं, तो आपको पहले आप जाते हैं, कैप्टनसी छोड़ के आपको भेजा जाता है, फिर आप वापस आते हैं. तो इसके ऊपर आई कम टू यू सलमान, एंड आई रियली वांट टू आस्क दिस कि ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, वर्ल्ड कप इज हैपनिंग, दुनिया देख रही है, ये आपको लगता है कि ये क्या ये सही बात है, क्या उनको ये जेब देती है, और क्या हो गया उनको कि एकदम से वो एंटी बाबर हो गए? Honestly, I was not here to discuss Ahmed because he at the moment for quite a number of time has been somebody looking to get into Pakistan team. So at times, not him, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो aspiring कह लें कि एक प्लेयर्स होते हैं कि यार मैं अब टीम में आया, मैं तब टीम में आया, बिकॉज ही कैरीड अ डिसेंट रेपुटेशन, एक अच्छा प्लेयर था, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, उसने जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेली उसमें बहुत अच्छी बारियां भी ली, सो जगह नहीं बन रही, यू नो जगह नहीं मिली, जो नए आने वाले परफॉर्म कर गए PSL में जगह नहीं मिली, सो ऑल दैट एड्स अप टू व्हाट यू से, इट कम्स डाउन टू दैट टाइम कि जहाँ पर आपको ना एक अपनी एग्रीवियंस भी होती है, एंड देन देयर आर थिंग्स, को वो फैक्टर जो 15% होता है वो आपको अपनी वजह से 35-45 लगना शुरू हो जाता है, सो इट इज़ नेचुरल, इज नॉट द फर्स्ट वन, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा, बट यस ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ ऑन अ बिट ऑफ अ पोलाइटर लाइन, ठीक है, नॉट टू से कि वो बोले ही ना, उसका हक है, इमाद और आमिर ने कम बाबर की किया है पिछले वर्ल्ड कप में, उसके बावजूद वो टीम में आए, क्यों, इसलिए नहीं कि वो बड़ा कोई नाइस हो गया था, इसलिए कि उनको जरूरत पड़ी, प्लेयर नहीं थे, लेकिन जितनी उन्होंने की थी अभी तो ये शुरू हुआ है, तो अभी ये शुरुआत है, आपने इमाद और बाबर को नहीं देखा इसी ट्रांसमिशन में, तो बात यह है कि प्लेयर्स डू दैट, और ये आज से नहीं अजलों से है, ये मैच पड़ता है जब आप बाहर होते हैं, यू हैव थिंग्स टू से, आपको लगता है आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं, बट एज अ फेलो क्रिकेटर आई कैन फील, मैं भी बाहर रहा हूँ, मैं एक सीजन में, हम दो ओपनर थे, मैं दूसरे का नाम नहीं लेता, नेशनल बैंक से खेल रहे थे, वर्ल्ड कप की सिलेक्शन होनी थी, मेरे 1400 रन्स थे, उसके 400 रन्स थे, वर्ल्ड कप के कैंप में गए, वो 400 वाला वर्ल्ड कप खेलने चला गया, मैं 1400 वाला पीछे थर्ड मैन पे खड़ा रहा, गेंदे फेंकता रहा वापस, मेरा नाम नहीं आया, ठीक है, और ये वो वर्ल्ड कप है जिसमें बॉब वुलमर की डेथ हुई थी, ठीक है, मेरा उसमें नाम नहीं आया था, मेरा 1000 स्कोर का फर्क था, लेकिन द पॉइंट इज कि दिस हैपन्स समटाइम्स, टीम्स नीड समबडी जो पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक नहीं होता, लेकिन वो कैप्टन और 3-4-5 जो थिंक टैंक के लोग होते हैं वो परसीव कर रहे होते हैं कि शायद हमें ये ज़्यादा फायदा दे देगा, एंड दे आर वेल विद इन देयर राइट टू डू सो, क्योंकि इफ इट वर्क्स ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान को ओपनर्स का मसला था साउथ अफ्रीका वाले वर्ल्ड कप में, तो उससे 2-2.5 माह पहले आउट ऑफ नो वेयर सलीम इलाही भाई को बुला के खिलाया गया, उन्होंने जाके 200 कर दिए, साउथ अफ्रीका में भी 100 कर दिया, जिम्बाब्वे में भी 100 कर दिया, और वो वर्ल्ड कप में चले गए और अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज पे गए, लेकिन जब उन्हें कदाफी में लाया गया था उस दिन तक वो ऐसे समझ ले गए वो नहीं थे किसी प्लान का हिस्सा, बट वेन ही केम ही स्टार्टेड स्कोरिंग रन्स, कैंप में अच्छा खेले, आगे गए स्कोर किया, एंड इट स्टार्टेड टू हैपन, तो एवरीबडी फॉरगॉट, साहब ने कहा यार बड़ा अच्छा फैसला था, देखें अब कई आपके सुपर स्टार जो बगैर फर्स्ट क्लास खेले नेशनल टीम में आए, एंड देन एवरीथिंग वॉज हिस्ट्री, टॉक अबाउट वसीम भाई, वो FC कॉलेज का मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, साइड मैच में उन्होंने 8-9 आउट किए, फर्स्ट क्लास तो खेले नहीं थे, तो ये अब इमरान भाई ने, वो एक हैदराबाद के प्लेयर थे, आप शायद आपको नाम याद हो, उनको बड़े चांसेस दिए मंसूर भाई, एंड ही लुक्ड अ ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन वो आउटकम नहीं मिल सकी जो उन्हें देख के लगती थी, और इंजी भाई को ऐसे ही लाए तो वो वर्ल्ड क्लास निकल आए, तो ये हिट, ये आपकी अजम्पशंस में देयर इज अ परसेंटेज ऑफ सक्सेस एंड देयर इज अ परसेंटेज व्हिच डज नॉट वर्क अकॉर्डिंगली, कोई मसला नहीं है, अहमद ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है जी, ये बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हमारी जारी थी, आप ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस जब आएंगे तो आकिब से पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस के वाले से पूछेंगे, और इमाद के वाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें देखेंगे कि कितनी सच्चाई है और वो कितने मैचेस पाकिस्तान से बाहर रहेंगे, पाकिस्तान टीम प्लेइंग 11 में नहीं हो सकती, इस पर बात करेंगे.